तो भैया वो दिन आ ही गया, मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट का। अब थंबनेल में तो आपने देखी भी है कि कौन जीता मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच, पर इस पूरे प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे समर स्लैम और रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड्स पे, इन सब के बारे में बात करेंगे आज हम इस एपिसोड में। वेलकम टू रेसलमेनियाक। तो दोस्तों, शो शुरू होता है विमेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच के साथ। एलेक्सा ब्लिस वर्सेस ऑस्का वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस लेसी इवेंस वर्सेस लिव मॉर्गन वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस शॉट्सकी। अब मैच के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ अब तक मनी इन द बैंक विमेंस लैडर मैच जो जीती हैं वो कार्मेला को छोड़ के बाकी सब विनर्स ने 24 आवर्स के विद ही कैश इन करा है अपना ब्रीफकेस। तो अगर हिस्ट्री अगर रिपीट करेगी तो शायद हमें आज जो जीते मनी इन द बैंक लैडर्स मैच वो दिख सकती हैं कैश इन करते हुए अपना ब्रीफकेस अगेंस्ट या तो द विनर ऑफ बियांका बेलेयर एंड कार्मेला या तो द विनर ऑफ रॉन्डा राउज़ी वर्सेस नटालिया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैच शुरू में हम देखते हैं बेकी लिंच और एलेक्सा ब्लिस के बीच में काफ़ी तगड़ी फाइट होती है। उसके अलावा पूरे अरीना में लेसी इवेंस को बू किया जाता है, तो ये मेरे लिए हैरानी वाली बात ही, क्योंकि उनको एज अ फेस दिखाया गया इस पूरे मैच में या जब से उन्होंने रिटर्न किया है। इसके अलावा स्ट्रेंथ की बात करें तो रशेल रॉड्रिगेज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई। इनफैक्ट 3-4 कंपेटिटर्स ने मिलकर उनको इस पूरे मैच में हराने की कोशिश करी, पर लास्ट के कुछ मिनटों में हमने देखा कि किस तरह से लिव मॉर्गन ने बेकी लिंच को हरा के जीत लिया ये मनी इन द बैंक लैडर्स मैच और जीत लिया ये ब्रीफकेस। तो ये कुछ शॉकिंग नहीं है, इनफैक्ट हमारी प्रेडिक्शंस के हिसाब से भी लिव मॉर्गन को ही जीतना था। अब उनकी इस जीत के बाद ट्विटर पर वो ट्रेंडिंग तो हो ही गई, इसके अलावा उनको बहुत सारे WWE के रेसलर्स ने कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर चाहे वो बेली हो, केविन ओवेंस हो, जेवियर वुड्स हो, सोनिया डिवेल हो, रोबी सोहो हो, इन सबके ट्वीट के स्क्रीनशॉट्स मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। इसके बाद मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी। अब जैसे कि क्लासिक हील मूव होता है, थ्योरी ने ट्राई किया कि ये मैच वो जीत जाए काउंट आउट से, लेकिन बॉबी लैशली भी कुछ कम चलाक नहीं थे। उन्होंने एक पावर स्लैम दिया ऑस्टिन थ्योरी को, सॉरी माफ करिएगा थ्योरी को, और फिर एक हर्ट लॉक देकर वो बन गए इस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन के नए विजेता। इसलिए ये थोड़ा शॉकिंग था क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से थ्योरी नहीं हारने वाले थे ये यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, क्योंकि वो तो भैया मिस्टर मैकमैन के प्रोडजी हैं, तो वो बेल्ट अभी दे रहे हैं, ये थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा। लेकिन जैसे कि अगेन आपने थंबनेल में देख लिया कि थ्योरी ने किस तरह से इम्पैक्ट किया ये मनी इन द बैंक का इवेंट, आगे इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैच था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। अब ये सीधा सीधा मैच बियांका बेलेयर वर्सेस कार्मेला, हम सबको पता था कि बियांका बेलेयर ही जीतेंगी, लेकिन आई मस्ट प्रेज कार्मेला, उन्होंने बहुत ही तगड़ी फाइट दी बियांका बेलेयर को। मेरे ख्याल से कार्मेला को हम उतना क्रेडिट देते नहीं है एज अ रेसलर एज अ WWE सुपरस्टार जितना शायद उनको मिलना चाहिए, लेकिन जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था बियांका बेलेयर ही ये जीती मैच। हालांकि अगेन कार्मेला ने हमको आके दोबारा से अटैक जरूर किया, लेकिन अब ये कैसे स्टोरी में पैन आउट होता है आगे चल के वो अब हम रॉ पे देखेंगे मंडे को। इसके बाद अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच द उसोस वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। अब दो इतने सॉलिड टेक्निकल टैग टीम्स को लेके आओगे तो मैच तो अच्छा होगा ही। मुझे बस सिर्फ इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि ये मैच हम बहुत बार पहले भी देख चुके हैं और इसमें कुछ ऐसी बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन नहीं थी मनी इन द बैंक में आने के लिए। लेकिन भाई साहब ये मॉन्टेज फॉर्ड क्या चीज़ है, ये इतना ऊपर तक कैसे जंप कर लेते हैं, कभी कभी तो समझ नहीं आता कि उनका ये फ्रॉग स्लैश क्या मूव है। भाई साहब बहुत अच्छे स्पॉट्स हमने देखे इस पूरे मैच में, लेकिन अंत में जीते वापस से द उसोस। इसके बाद हमें कुछ एक वियर्ड विनियट से देखा, जैसे ये वियर्ड विनियट दिखे सब लोगों को लगा कि शायद ब्रे वाइट वापस रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। इनफैक्ट ट्विटर पे वापस से ब्रे वाइट ट्रेंड करने लगे, तो बाद में जो बातें निकल के आ रही कि शायद ये विनियट एज के बारे में है, उनका वापस से ये रेटेड आर सुपरस्टार वाला एक पर्सोना लेके वो शायद रिटर्न करेंगे, वेट करना पड़ेगा हमें मंडे नाइट रॉ तक का। इसके बाद स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच रॉन्डा राउज़ी वर्सेस नटालिया। अब हम सबको पता ही था कि रॉन्डा राउज़ी मैच जीतेंगी, मुझे कभी कभी ये समझ नहीं आता कि नटालिया को एज अ हील क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है, वो बहुत सही फेस दिखती है मुझे शायद इस पूरे वुमेन्स लॉकर रूम में, लेकिन पता नहीं ये क्या कभी कभी WWE क्रिएटिव टीम सोचती है। एनीवेज मैच काफी डिसेंट था, रॉन्डा राउज़ी ने रिटेन की अपनी चैंपियनशिप बेल्ट, लेकिन ये मैच भाई साहब अभी यहाँ तक खत्म नहीं हुआ। इसके बाद लिव मॉर्गन आती हैं और वो कैश इन कर लेती हैं अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस विद इन 24 आवर्स अगेन, तो ये हिस्ट्री ने अपने आप को रिपीट किया। तो लिव मॉर्गन ने बहुत फायदा उठाया और ये मैच कैश इन करके जीत लिया और बन गए न्यू वुमेन्स चैंपियनशिप मैच। इसके बाद अगेन बहुत सारे लोगों ने उनको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि भैया ये डिजर्व करती हैं वो विन और वो डिजर्व करती है चैंपियन बनना। इसके बाद दूसरा मेन इवेंट मेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच। अब 7 पार्टिसिपेंट्स तो हमें पता ही थे, एक और सरप्राइज डाल दिया WWE ने, एडम पियर्स आते हैं और कहते हैं कि भैया 7 नहीं 8 पार्टिसिपेंट्स होंगे इस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच में, और 8वें पार्टिसिपेंट निकले थ्योरी। और कुछ टॉप स्पॉट्स की बात करें तो भैया ओमोस के अगेंस्ट सारे रेसलर्स लग गए कि उनको किसी तरीके से इस पूरे मैच में हटाया जाए। इनफैक्ट एक स्पॉट पर तो उनके ऊपर बहुत सारी लैडर्स गिराई गई, और सरप्राइजिंगली एक पॉइंट पर हमें देखा शेमस और ड्रू मैकइंटायर एक साथ काम करते हुए, उनका एक स्पॉट दिखा हमें थ्योरी के अगेंस्ट। क्राउड की अगर देखें तो वो रिडल के लिए काफी चेयर कर रहे थे, ऐसा लगता था शायद रिडल जीत जाएंगे। इसके अलावा एक और स्पॉट था जब हमें लगा कि ड्रू मैकइंटायर शायद जीत सकते हैं ये मैच,
उसी टाइम बुच जो कि शेमस के साथ एक टीम में हमें दिखते हैं वो आ गया और उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया ये मैच। तो मुझे नजर आ रहा है ये पैन आउट होते हुए एक शेमस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एट समरस्लैम। अब वो जब होगा तब हम बात करेंगे, लेकिन ये बुच के इंटरफेरेंस से मैकइंटायर तो नहीं जीत पाए ये मैच। इसके अलावा हमने देखा ऑलमोस्ट एंड ऑफ मैच की तरफ जब सेथ रॉलिंस कोशिश करने लगे कि वो ब्रीफकेस जीत जाए, उसी समय रिडल ने दिया उनको एक आरकेओ और फिर हमें दिखते हैं थ्योरी जो कि लैडर पे चढ़ के निकाल लेते हैं ब्रीफकेस और बन जाते हैं मेंस मनी इन द बैंक लैडर्स मैच के विनर। अब ऑनेस्टली काफी बड़ा सरप्राइज था, काफी बड़ा, बिकॉज हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि थ्योरी ऑफ ऑल पीपल मिलेंगे हमें एज अ 8th पर्सन। काफी रूमर्स थे कि शायद अगर 8वां स्पॉट हो तो शायद जॉन सीना आके कुछ कुछ हमें कमाल करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट थ्योरी जीत गया। तो ऑल इन ऑल जहां थ्योरी ने लूज की अपनी US चैंपियनशिप बेल्ट, वहीं वो बन गए मनी इन द बैंक लैडर्स मैच के विनर। अब जिस तरह का उनका कॉकी एटीट्यूड और कॉकी एक पर्सनैलिटी दिखाई गई है अब तक, मेरे ख्याल से वो बहुत कमाल करने वाले हैं इस ब्रीफ केस के साथ। उसके बाद जैसे कि उनकी फितरत है वो हमें दिखे सेल्फीज लेते हुए टॉप ऑफ द लैडर पे ब्रीफकेस के साथ। अब ये तो हुई लाइव इवेंट की बात। इसके बाद जैसे ही ये ऑफ एयर हुआ, हैप्पी कॉर्बिन ने आके अटैक किया पैट मैकफी को कमेंट्री टेबल पे, और ये मेरे ख्याल से एक तरह का एक्सेप्टेंस है कि भैया पैट मैकफी वर्सेस हैप्पी कॉर्बिन हमें दिखने वाला है समर स्लैम में। अब देखते हैं मंडे को कैसे आगे स्टोरी लाइन्स बढ़ेंगी और आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट 4 हफ्ते बाद क्या क्या होने वाला है समर स्लैम पे, अब उस चीज का इंतजार रहेगा हम सबको। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में, लेकिन तब तक दोस्तों सी यू, टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।